जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेसिल की नई भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले आप थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए, फिर मैं आपको प्रत्येक जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कन्फर्म कराऊंगा। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपका ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर बेसिल बोलते हैं। जॉब कैटेगरी की अगर बात करें तो यह भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। जॉब नेम यानी कि किस पद पर निकाली है, तो यह भर्ती आपकी सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव यानी कि एसएमई के पद पर निकाली गई है। सैलरी आपको कितनी मिलेगी, आपको आगे ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से जानने को मिल जाएगा। टोटल वैकेंसीज आपकी 12 है और स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 25 अगस्त 2020 है और आप लोग इसमें 14 सितंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। अब यहां पर दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊं इसमें अप्लाई करने का, तो आपको बस एक कमेंट करना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएगा तो मैं वीडियो आज या कल में ही बना दूंगा। अब चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहां पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहां पर देख सकते हो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग मैनपावर, जो कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाली गई है। बट अगर आपका यहां पर परफॉर्मेंसेस अच्छी है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आगे भी बढ़ा जा सकता है, जो पीरियड शुरुआती रहेगा। फिर यहां पर आप ये भी जान लीजिए कि जो आपकी पोस्टिंग की जाएगी वो आपकी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB रीजनल ऑफिसेस के अंदर की जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आप जान लीजिए कि किस सिटी के लिए कितने पद निकाले हैं और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अप्लाई करने के लिए आपसे शुड होल्ड बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट योग्यता होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज, ये आपके पास होनी चाहिए। तीसरा यहाँ पर आपको मस्ट बी वर्सटाइल इन यूजिंग इंटरनेट MS वर्ड एक्सेल ग्राफिक डिजाइन, ये आपको आनी चाहिए। फिर फोर्थ आपको बोला है कि मस्ट बी कंसर्वेंट विद वर्किंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब। फिर फिफ्थ है यहां पर आपका शुड नो टाइपिंग इन रीजनल लैंग्वेज, आपको रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें टाइपिंग करना आना चाहिए। एक्सपीरियंस भी यहां पर आपसे मांगे जो कि 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। अब दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो आप वैसे तब भी अप्लाई कर पाएंगे, बट प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। अगर आप फ्रेशर हो तो आप अप्लाई तब भी कर सकते हो, बट जैसे कि मैंने कहा कि प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी जिनके पास ये सभी चीजें और एक्सपीरियंस भी होगा 2 साल का। फिर यहां पर दोस्तों 36,000 रुपए आपको इस पोस्ट पर दिए जाने वाले हैं और इसमें आप लोग ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाओगे और इसमें जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो भी आप यहां पर देख लीजिए। तो इसमें दोस्तों अप्लाई करने के लिए जो आपको फीस पे करनी है ये है आपकी जनरल के लिए 750 रुपए, जिसमें कि 500 रुपए एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट अप्लाइड, यानी कि अगर आप अदर पोस्ट पर भी अप्लाई करोगे जो कि अलग सिटी के अंदर है तो आपको यहां पर एक्स्ट्रा 500 रुपए देने होंगे। नॉर्मली अगर आप एक पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको 750 देने हैं। ओबीसी में भी आपके यहां पर 750 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी है, ₹500 एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट यहां पर भी अप्लाइड किया जाएगा। तो बेसिकली आपको 750 रुपए ही एप्लीकेशन फीस पे करनी है। जो SC ST कैंडिडेट है इनके लिए यहां पर 450 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। एक्सर्विसमैन के लिए भी 750 है, वुमेन के लिए यहां पर 750, EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी 450 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है, जो कि आपको ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करनी होगी और जो कि आप जब फॉर्म फिलअप करोगे उसके बाद फीस का जो प्रोसेस है वो आपको वहीं पर मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।